हेलो एवरीवन, पूजा आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक्स है कि जिन भाई बहनों को काफ़ी टाइम हो गया है और वो वेट लूज कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, जिसके लिए ये वीडियो है, आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मैं इसमें आपकी 10 गलतियां बताने वाली हूँ, जो आप भूल कर भी नहीं करेंगे तो आपका वजन डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो आप क्या गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आप अपने वेट को गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से इसकी सुधार करनी है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में मोटापा बड़ी भयंकर बीमारी होती है। मोटापा बढ़ने के अनेक कारण हो सकते हैं, अधिकतर हार्मोनल चेंजेस, गलत डाइट, स्ट्रेस और भागदौड़ बड़ी लाइफस्टाइल के कारण भी वजन बढ़ जाता है। इसे कम हम काफ़ी मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो वजन है वो कम नहीं हो पाता। इसके पीछे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं, इन्हीं गलतियों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको चलिए बताती हूँ कि ये 10 गलतियाँ क्या हैं। फ्रेंड्स, हमारे पहले मिस्टेक है पानी कम पीना। दिन भर में 3 लीटर से कम पानी पीने से जो हमारे शरीर का वेस्ट है सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है। इससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है जिससे कि वजन नहीं घट पाता है। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी मिस्टेक है नाश्ता नहीं करना। सुबह नाश्ता नहीं करने से मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाती है जिससे हमारा जो फैट है वो बर्न होने का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। फ्रेंड्स, हमारी तीसरी मिस्टेक है पूरी नींद ना लेना। रात को पूरी नींद ना लेने से वजन बढ़ने वाले हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए रेगुलर 7 से 8 घंटे नींद लें जिससे कि आपके वजन घटाने में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। फ्रेंड्स, हमारे चौथे मिस्टेक हैं पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, फूल गोभी में फाइबर काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। अगर हम इन्हें डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो वजन घटाने में प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, हमारे पांचवें मिस्टेक हैं ओवर डाइटिंग। वजन कम करने के लिए डाइटिंग के नाम पर बिल्कुल भी कुछ ना खाना नुकसानदेह हो सकता है। इससे वजन घटाने के बजाय बढ़ेगा और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे छठे मिस्टेक है जूस पीना। फ्रूट जूस, कैंडी जैसे कि जिसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुगर होता है और डाइट कोला वेट लॉस करने की वजह और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे कि लिक्विड जूस वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सातवें मिस्टेक है प्रोटीन डाइट ना लेना। डाइट में दूध, दही, पनीर, अंडा ना लेने से बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है धीमा हो सकती है, इससे वजन घटाने के बजाय बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, हमारे आठवें मिस्टेक है एक्सरसाइज ना करना। रोज़ मॉर्निंग वॉक और फिजिकल एक्सरसाइज ना करने से कैलोरी बर्न नहीं हो पाती है, इससे भी वजन नहीं घट पाता है। फ्रेंड्स, हमारे नौवें मिस्टेक है हाई कैलोरी वाली चीज़ें खाना। चावल, आलू, शक्कर जैसी चीज़ों में कैलोरी की काफ़ी मात्रा में होती है। अगर डाइट इनकी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वजन घटाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स, हमारे दसवें मिस्टेक्स हैं टीवी देखते हुए खाना खाना। जब हम टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर फिल्में या प्रोग्राम देखते हुए खाते हैं तो हम ओवर ईटिंग करते हैं जिससे कि हमारा जो वेट है वो घटने के बजाय बढ़ जाता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता कि हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हद से ज़्यादा खाना खा देते हैं जिसके लिए हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।